अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही हेल्दी और बहुत ही हैप्पी होंगे। कंटिन्यू करते हैं आज का ट्रैवल व्लॉग टू हैदराबाद। तो अभी हम आ चुके हैं हमारा होटल जिसका नाम है रॉयल्टन, लोकेटेड इन एबिट्स। इट्स अ 4-स्टार होटल और सब चीज़ क्लोज वेसिनिटी में है। यहाँ पर एबिट्स रोड है जो शॉपिंग के लिए जाना जाता है और यहाँ पर आपको फूड भी क्लोज बाय में मिल जाता है। ये हमारा ब्रेकफास्ट पैकेज था तो हमने यहाँ पर ब्रेकफास्ट किया और बाहर हमारा लंच और डिनर था। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं, जाके फ्रेशन अप होते हैं, फिर चलते हैं बाहर। आज का हमारा प्रोग्राम है जाने का सालार जंग म्यूज़ियम, तो वहाँ पर आपको लेके चलते हैं। वहाँ के आपको कुछ चीज़ें आपको बताते हैं, फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पर कौन सी जगहें हैं विज़िट करने को और टाइम स्पेंड करने को। होटल से हमने ली एक कैब, हमने बुक करा ली थी टैक्सी, तो उसके अंदर हम जा रहे हैं और आपको बाहर का यहाँ का नज़ारा भी आपको दिखाते चलते हैं कि हैदराबाद की स्ट्रीट्स कैसी हैं, रोड्स कैसे हैं और यहाँ का ट्रैफिक कैसा है। ट्रैफिक तो बहुत ही ज़्यादा है, मुझे तो बहुत ज़्यादा लगा। हम आए हैं मई के महीने में तो थोड़ा बहुत गर्मी है यहाँ पर, नॉट थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा ही गर्मी है। क्योंकि जब हम लास्ट टाइम आए थे तो भी हमारा अप्रैल मई का विज़िट था, लेकिन उतनी गर्मी नहीं थी तब, लेकिन इस बार तो थोड़ा सरप्राइज ही मिल गया हमें। बट यहाँ पर कम्यूट करना बहुत ही ईजी है, आपको ईजी सी टैक्सी अवेलेबल हो जाती है, ऑटोस आपको अवेलेबल रहते हैं, तो यहाँ पर कम्यूटिंग इज़ वेरी ईजी। हमारे होटल से सालार जंग म्यूज़ियम वॉज जस्ट 4 किलोमीटर्स। यहाँ पर उतरने के बाद हमने सालार जंग म्यूज़ियम को देखा, उसके बाद हम गए नायाब होटल विच इज़ वेरी क्लोज बाय, और डेलीशियस बिरयानी यहाँ पर मिलती है, हैदराबाद बिरयानी, तो हमने वो खाया। और हमने खाया खुबानी का मीठा जो बहुत ही फेमस है यहाँ पर हैदराबाद में, और बहुत ही डेलीशियस था लेकिन बहुत 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 स्वीट था। चलिए आप पहुँच चुके हैं सालार जंग म्यूज़ियम, तो ये है बाहर से। और क्या यहाँ पर आपको टिकट लेनी है, टिकट काउंटर जाएं, टिकट लें, फिर आप अंदर घूम सकते हो। मोस्ट ऑफ़ द प्लेसेस आपको कैमरा अंदर ले जाने के लिए, मतलब आपको पिक्चर्स क्लिक करने हैं, वीडियोस बनाने हैं, तो आपको यहाँ पर उसकी सेपरेट टिकट लेनी पड़ेगी, फिर आप पिक्चर्स क्लिक कर सकते हो, वीडियोस बना सकते हो, जो भी आप चाहो कर सकते हो कैमरास मोबाइल से। ये वाइट बिल्डिंग जो मॉन्यूमेंट टाइप के हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर आकर आपको पहले जाना है टिकट काउंटर, आप वहाँ पर टिकट लें, फिर एंट्री लें, फिर आपको अच्छे से घूम सकते हो यहाँ पर। लगभग 3 आवर्स हमने यहाँ पर स्पेंड किए, फिर गए नायाब होटल जिसमें हमने खाई बिरयानी, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि खुबानी का मीठा हमने यहाँ पर टेस्ट किया, वो भी बहुत ही बढ़िया था। फिर हम चले गए होटल, हमें चेक इन करना था, जो हमारा होटल था वहाँ का चेक इन टाइम था अबाउट 2 o'clock, तो इसीलिए हम दोपहर में वहाँ पर चले गए थे। फिर वहाँ पर जाके थोड़ा सा रेस्ट किया, फिर हम गए दूसरी जगह पर। तो फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ से नायाब होटल जाते हो, वो भी क्लोज वेसिनिटी में है, और नायाब होटल से चार मीनार भी बहुत क्लोज वेसिनिटी में है, तो हमने इसी तरीके से कुछ प्लान किया था हमारा विज़िट। आज का हमारा विज़िट था सालार जंग म्यूज़ियम। हमने यहाँ पर चार मीनार को आज नहीं विज़िट किया था, हमारा था दूसरा डेस्टिनेशन हुसैन सागर लेक था, तो हमने यहाँ पर मॉर्निंग विज़िट किया, इवनिंग में हुसैन सागर लेक को विज़िट किया। तो दिन में दो प्लेसेस विज़िट करना इट्स लाइक यू नो बहुत ही थकावट हो जाती है, बहुत ही चलना पड़ता है, तो आप बहुत थक जाते हो, तो दो प्लेसेस हमने आज के लिए रखे थे। फिर नेक्स्ट डे जाएंगे दूसरी जगह पर। आप बने रहिए मेरे साथ, कंटिन्यू कीजिएगा इस ट्रैवल व्लॉग को, स्किप मत कीजिएगा और मिस मत कीजिएगा।
उम्मीद करती हूँ कि आज का ट्रैवल व्लॉग आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। बने रहें मेरे साथ ऐसे ही। सो सी यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, अंटिल माई नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।